देखिए इसके अंदर रोटर लगी होती है, रोटर ट्रांसफार्मर, उसके अंदर चार जो वायर होती है वो इनपुट साइड होती है और चार ही वायर आउटपुट साइड होती है। दो वायरों को एक जगह मिला करके उसको पॉजिटिव करंट दिया जाता है, यानी प्लस बी की सप्लाई दी जाती है। जितनी सप्लाई हमारी बैटरी से आएगी वो डायरेक्ट इनके ऊपर आएगी। अब इन दोनों वायरों से उस सप्लाई को निकाल करके दोनों चैनलों को दे दिया जाता है। ठीक है, आपने हमेशा इसके अंदर देखा होगा कि इसमें जो मॉस्फेट लगे होते हैं उनकी दो पिनें लगी होती हैं केवल, ठीक है, बीच वाली पिन नहीं होती है। देखिए तो इसकी जो बीच वाली पिन होती है वो इसकी बॉडी होती है, यानी इसका जो कलेक्टर होता है, बीच वाली पिन को ट्रांजिस्टर में आप कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ, हालांकि मॉस्फेट में कलेक्टर नहीं होता। तो इसकी बीच वाली जो पिन होती है और ट्रांजिस्टर की भी, ये बॉडी से कनेक्ट होती है, यानी इसकी बॉडी ही बीच वाली पिन है। तो दोनों हीट सिंकों पर हमारे मॉस्फेट कसे हुए हैं। मॉस्फेट को जो करंट मिलेगा प्लस 12 वोल्ट की जो सप्लाई मिलनी है वो हीट सिंक से ही मिलेगी।